चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। उन्हें पुलिस का जरा भी भय नहीं है। वो दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें व्यापारी का पैसों से भरा बैग चुरा कर चोर फरार हो गए और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। मामला कटनी का है जहां इंदौर के व्यापारी संस्कार पाटीदार का पैसों से भरा बैग चोरों ने चुरा लिया। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई लेकिन पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ नहीं पाई है। आपको बता दें कि संस्कार पाटीदार एग्रीकल्चर से जुड़े उपकरण बेचने का काम करते हैं। वो पैसों की वसूली के लिए अलग अलग जगह से होते हुए कटनी पहुंचे थे जहां उनकी गाड़ी बस स्टैंड पर पंचर हो गई। जब वो गाड़ी सुधरवाने के लिए मैकेनिक तलाशने लगे तो चोरों ने मौके का फायदा उठाया और पैसों से भरा बैग चुरा लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने वक्त रहते ही इलाके की नाकाबंदी कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। ये इंदौर का व्यवसायी है, संस्कार पाटीदार नाम है इनका। स्पेयर्स पार्ट्स की थोक का बिजनेस है। ये लोग उनका सामान की डिलीवरी करते हैं और इनकी शिकायत है कि इनकी गाड़ी बस स्टैंड के सामने खड़ी थी और उसमें बैग रखा था जिसमें कुछ इनके पैसे रखे थे, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया है, जिसकी शिकायत की जांच की जा रही है। नहीं नहीं, अभी तो कैमरे दिखाए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जा रहे हैं और सभी जगह की नाकेबंदी की गई है और जैसे भी जो भी मिलता है उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।